हम तो बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम। नमस्कार, आज हमारे साथ है मेहदी सरकार जी, जो कि मिस पाकिस्तान रह चुकी हैं, लेकिन इस समय इस्लामोफोबिया के लिए ये एक्टिविस्ट हैं, विमेंस राइट एक्टिविस्ट हैं, कनाडा में रहती हैं और ये महिलाओं के अधिकार के लिए काम करती हैं। साथ में इस्लामोफोबिया कैसे, जो पाकिस्तान बहुत दिन से कर रहा है एक प्रोपोगंडा के इस्लामोफोबिया फैला हुआ है पूरी दुनिया में, उस प्रोपोगंडा का क्या इम्पैक्ट है कनाडा में या वेस्टर्न वर्ल्ड में, उस पर बात करेंगे हम इनसे। महली जी, पहली चीज तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। ये बताइए कि इस्लामोफोबिया जो बताया जा रहा है, यूएन में भी हर जगह पाकिस्तानी लीडरशिप बता रही है, इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है पूरी दुनिया में और साथ में बोले तो कनाडा। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी रोहित। उस चीज पे जाने से पहले मैं पहले आपको इस्लामोफोबिया की टर्मिनोलॉजी आपको बता दूं। ये वर्ड 1920s में ईजाद किया गया था, इट केम इनटू बिकमिंग अ टूल। तो आप जब इस्लामोफोबिया की बात करते हैं तो फोबिया जिसे कहा जाता है कि एक इरेशनल फियर होता है, जैसे आपको हाइट फोबिया हो गया, मकड़ियों का फोबिया हो जाता है। मगर जब हम इस्लाम की बात करते हैं और औरतों की बात आती है तो एक औरत को इस्लाम का से खतरा हो सकता है, LGBTQ गेज लेस्बियंस को इस्लाम से खतरा है, और एक मुर्तद जो मैं हूँ, मैं इस्लाम छोड़ चुकी हूँ, तो मुझको भी इस्लाम से खतरा है। तो देयर इज नो इरेशनल फियर ऑफ इस्लाम, देयर इज अ रैशनल फियर ऑफ इस्लाम। तो ये इस्लामोफोबिया वर्ड जो है उसको हमको कचरे में डाल देना चाहिए। मुस्लिम फोबिया हो सकता है क्योंकि मुसलमान जो है हर डिफरेंट तरह से इस्लाम फॉलो करते हैं। तो ये जो वर्ड है ये इस वजह से यूज किया जा रहा है, और यहाँ पर एक मोशन फाइल किया गया था M103 के नाम से 2017 में। यहाँ पर एक पाकिस्तानी MP है मिसेस सागर की, इकरा खालिद, और उन्होंने यहाँ पे ये मोशन करा था। दैट्स व्हेन आई एक्चुअली स्टार्टेड स्पीकिंग अबाउट इस्लाम एंड ऑल दिस, क्योंकि एक तरीके का ब्लास्फेमी लॉ है जो ये चाह रहे हैं कि पूरी दुनिया में आए। तो अब अगर आप देखेंगे तो सॉरी मेरा ये स्क्रीन ही वो हो गया था, सॉरी। अगर आप देखेंगे तो ये एजेंडा जो है हर जगह स्टार्ट हुआ हुआ है। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखेंगे, आप इंडिया में देखेंगे, तो दिस टर्म हैज रियली गेन्ड पावर इन द लास्ट मे बी 5-6 years, उससे पहले कोई जानता भी नहीं था। तो इसका बेसिक मकसद यही है कि हम इस्लाम को क्रिटिसाइज करना बंद कर दें, ये नहीं कि हम मुसलमानों को क्रिटिसाइज करना बंद कर दें। और इसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जब भी अगर हम थोड़ी सी भी किसी भी चीज पे बात करते हैं तो फौरन हमारा मुंह बंद करा दिया जाता है कि आप इस्लामोफोबिक हो रहे हैं। बट एट द सेम टाइम आई थिंक ये वर्ड जो अपने मीनिंग लूज करता जा रहा है, क्योंकि अब लोग कहते हैं हम तो बोलेंगे, आप हमको इस्लामोफोब बोलो, आप हमको रेसिस्ट बोलो, जो भी है। सो दिस डजंट हैव मच ग्राउंड ऑन इट। अब आप देखते हैं कि अभी आपने जो केस देखा था कि एक बंदी को लेके गए पाकिस्तान, यूके सिटीजन थी और उसको मार दिया उसके हस्बैंड ने, तो देयर इज अ रैशनल फियर ऑफ इस्लामोफोबिया। और यहाँ की गवर्नमेंट्स और जो MPs और जो मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर्स हैं वो इसको बढ़ावा दे रहे हैं। आपने देखा कि इमरान खान किस तरह से UN में पहुंच गए और इस्लामोफोबिया पे बात करनी शुरू कर दी उन्होंने। तो इट डजंट हैव एनी ग्राउंड्स। अगर आपसे कोई इस्लामोफोबिया की बात करे तो उनको फौरन आप बता दीजिएगा ऐसा कोई टर्म नहीं है, मुझे वाकई में इस्लाम से डर लगता है। अच्छा, एक चीज और के ये चीज के अगर इस्लामोफोबिया वहां पहुंचा, मतलब इस्लामोफोबिया का जो टर्म वहां पहुंचा, लोगों ने बोलना शुरू कर दिया इस्लामोफोबिया हो रहा है, तो वहां पर रहने वाले कनाडा में, अमेरिका में या यूरोप में रहने वाले मुस्लिम्स पर क्या ऐसा भी है कि लोग उन्हें शक की नजर से देख रहे हैं, ये पाकिस्तान इसको इतना क्यों फैला रहा है, क्या उसके पॉलिटिकल गेन्स के लिए, और दूसरा क्या झेल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन लोगों के सामने जो मुस्लिम्स वेस्टर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं। तो यहाँ पर मैं कनाडा की बात कर सकती हूँ, मुझे इतना US उनका नहीं पता, मगर आई थिंक कैनेडियन हमेशा से जाने गए कि बहुत अच्छे लोग हैं। सम पीपल आर देयर, हमेशा कम्युनिटी में कुछ खराब लोग होते हैं, मगर ये लोगों को दबाने के लिए, ऐसे मैंने आपका एक पॉलिटिकल टर्म क्रिएट की गई है जो मुसलमानों का वोट लेगी, मुसलमानों के दिमाग में डाला जाता है कि आपकी लाइफ खतरे में है। हालांकि अगर आप यहाँ पर कोई भी डेटा उठा के देखें तो यहाँ पर इवेंट्स हुए हैं, हेट क्राइम्स हुए हैं। लास्ट ईयर एक फैमिली थी, उस पर किसी ने गाड़ी चला दी थी, एंड वी कंडेम ऑल दैट। मगर अगर आप कंपेयर करेंगे यहाँ पर कितने मुसलमानों ने टेररिस्ट अटैक किए हैं,
तो दोज आर वे मोर देन जो है मुसलमानों के ऊपर अटैक हुआ होगा. तो मुसलमानों की कम्युनिटी पे मुझे नहीं पता है कुछ ज्यादा असर पड़ा होगा, क्योंकि मैं जिन लोगों को जानती हूँ अपनी लाइफ अच्छे तरीके से रह रहे हैं, और अगर किसी भी मुसलमान को फ्री में वीजा दिया जाए कनाडा आने के लिए तो वो फॉरन आ जाएंगे, इवन दो उनको पता है कि यहाँ रेसिस लोग रहते हैं और इस्लामोफोबिक रहते हैं. तो इतना इस पे वैसे नहीं हो रहा है, बट जो गवर्नमेंट है उसने पुश किया. इन द बिगिनिंग लोग थोड़ा सा डरे, मगर जैसे मैंने आपको बताया कि नाउ दिस वर्ड इज लूजिंग इट्स ग्राउंड, क्योंकि अब इट्स सो कॉमन, नोबडी केयर्स अबाउट इट. क्या बोलना है तो बोलते रहो, मगर हम इस्लाम को क्रिटिसाइज करना बंद नहीं करेंगे. वैसे तो बड़े फतवे आ जाते हैं, नुपुर शर्मा पे भी फतवा आया और बहुत सारी चीजें. मैं ये भी मानता हूं, ठीक है, कि इस्लाम को क्रिटिसाइज ना किया जाए, फाइन, जिसका अपना हो, प्रॉफिट मोहम्मद की इज्जत की जाए, लेकिन कुछ कमियां हैं, क्या उन कमियों को ना दिखाया जाए? कमियां हर रिलीजन में, सारे रिलीजन एक्सेप्ट करते हैं कि कमी थी. अगर आपके पास कुछ कमी है और आपके अंदर से, मतलब मुस्लिम्स ही उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मुस्लिम्स ही बोल रहे हैं कि गलत है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आपको लगता है होनी चाहिए? नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं लगती. मुझे तो ये लगता है कि देखें, ब्लास्फेमी लॉ ही बेकार है इस कंट्री में. जिस कंट्री में मैं रहती हूँ उसमें कोई ब्लास्फेमी लॉ नहीं है, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और हम किसी एक इंडिविजुअल को नहीं क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम एक आइडियोलॉजी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं. इस्लाम इज एन आइडियोलॉजी, एनी रिलीजन इज एन आइडियोलॉजी. और अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज को देखें तो इन लोगों ने यहाँ पे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच लेकर आए थे, ये तभी आई थी जब इन लोगों ने अपनी रिलीजन को उठाकर साइड पे कर दिया था. और ना कि इन्होंने अपनी रिलीजन पे एतराज किए थे, इन्होंने अपनी रिलीजन के जो फिगर्स थे उन पे मजाक उड़ाया था, ताकि पूरी कम्युनिटी को डिसेंसिटाइज किया जाए. और वो मजाक उड़ाते गए उड़ाते गए. उसका रिजल्ट ये आया है कि अगर मैं बाहर जाकर जीसस क्राइस्ट को कुछ भी बोल दूं तो किसी को परवाह नहीं होती है. आप अगर गूगल पे जाएं तो जीसस क्राइस्ट के आपको कार्टून भी मिल जाएंगे. हमने सिम्पसन्स, फैमिली गाय और बहुत सारे टीवी उसमें शोज में जीसस क्राइस्ट को देखा है एज अ फनी कैरेक्टर. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी माशरे को आगे बढ़ाने के लिए कि आप उनकी आइडियोलॉजी से बात करें, और ना कि सिर्फ बात करें, उनको रिडिक्यूल करें. और मैं तो हमेशा करती हूँ, तो मेरे पे भी फतवे लगे हुए हैं, मैं तो बहुत बड़ी गुस्सा हूँ. मगर हाँ, इट इज इम्पोर्टेंट कि जो लोग इसके अंदर रह चुके हैं वो जब इसको पकड़ते हैं तो ज्यादा मायने होंगे बनिस्बत के कोई और रिलीजन वाला उनको करेगा, क्योंकि वो फॉरन पलट के कहते हैं कि भाई आपकी रिलीजन में भी तो ये है. अब वो मुझसे कहते हैं तो मैं कहती हूँ मैं तो किसी रिलीजन को फॉलो ही नहीं करती, आई एम एन एग्नोस्टिक. तो वो उनका आर्ग्यूमेंट वहीं पे ठप हो जाता है, राइट? सो दैट्स व्हाई आई थिंक इट्स, अगर कोई रिफॉर्म आएगा भी इस्लाम में तो वो विद इन आना पड़ेगा. मुसलमानों को लिबरल जो हैं, जो कहते हैं अपने आप को लिबरल, यू नो, प्रोग्रेसिव, और जो एक्स मुस्लिम्स की अब मूवमेंट चल गई है. तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर 2019 से पहले एक्स मुस्लिम टर्म इतनी कॉमन नहीं थी, कोई नहीं सुनता था, इक्का दुक्का कोई होते थे, मगर आज देखें आप तो हर कोई जानता है एक्स मुस्लिम. तो मुस्लिम भी जो है इस वर्ड से अब डिसेंसिटाइज हो गए. अब उनको इतना वो नहीं होता, वो ये मुल्हिद है या ये एक्स मुस्लिम है. सो दे हैव गॉटन यूज्ड टू दिस टर्म. मौलवी साहब हो गए, वो हम लोगों के साथ बातें भी कर रहे हैं, आपने डिबेट्स भी देखी, पहले ऐसा नहीं होता था. अच्छा, एक चीज मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि महलीज सरकारी नाम से इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है, उस पर जाकर के आप इनके व्यूज सुन सकते हैं, ये डिस्कशन करती हैं इस्लामोफोबिया पे. उस पे मैम एक क्वेश्चन कि क्यों पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में इस्लामोफोबिया और इस्लाम को इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है? क्या मतलब पॉलिटिक्स में इस्लामोफोबिया बता करके क्या वो वोट्स लेना चाह रहे हैं, या वो इस्लामोफोबिया दिखा करके दुनिया को दिखाते हैं कि भाई हम खतरे में हैं, आप हमें सेव करने आए? हाँ, इनके दिमाग में यही है कि इस्लाम हर जगह खतरे में है, मुसलमान हर जगह मजलूम है, चाहे वो किसी भी आप कंट्री को उठा लें, वेस्टर्न कंट्री हो, इंडिया हो, कहीं भी उठा लीजिए, मुसलमान हमें हर जगह खतरे में है. और उनकी सिंपथी गेन करने के लिए पाकिस्तान में स्पेशली इस वजह से यूज किया जाता है ताकि आप वोट गेन करें. इमरान खान ने वही किया जब फ्रांस की बात आई थी, तो ये सबसे बड़े इस्लाम के खलीफा बन के खड़े हुए थे कि मैं इस्लामोफोबिया लेके जाऊंगा. तो ऑब्वियसली जो मुसलमान इनको देख रहे हैं, जो इस्लाम को कट्टर तरीके से फॉलो करते हैं, तो वो तो उनको मसीहा मान लिया उन्होंने कि देखो देखो पूरी दुनिया में ये इस्लाम को बचा रहे हैं, इस्लाम का जो गुस्ताखी होती है उसके ऊपर काम कर रहे हैं. एंड वी सॉ दैट राइट नाउ कि किस तरीके से मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं उन्होंने रिएक्ट किया टू नुपुर शर्मा केस. वेर एज जब फ्रांस में हुआ था तो सारे मुसलमान उस वक्त सो रहे थे मिडल ईस्ट के, उन्होंने किसी ने भी कुछ नहीं करा था. तो दिस इज मोर पॉलिटिकल
than you know anything else. And Islam is a political ideology, actually. This is what it is. क्या आपको लगता है कि ये इस्लामोफोबिया या इस्लाम की जिस तरीके के ट्रेंड्स हम देख रहे हैं, तहरीक लबैक अलग चल रहा है, टीटीपी अलग एक नई इस्लाम की डेफिनेशन लेके आया, क्या ये पाकिस्तान में बढ़ेगा या इज गोइंग टू सब्साइड वेरी सून? देखिए, मैं अगर चार मुसलमानों से बात करूंगी ना एक आयत पे, तो उनके चार डिफरेंट इंटरप्रिटेशन आते हैं। तो अगर जैसे ये कहते हैं ना कि कुरान को कोई चेंज नहीं कर सकता, इस्लाम को कोई चेंज नहीं कर सकता, देयर सो मेनी वैरायटीज ऑफ आइडियोलॉजीज विद इन इस्लाम कि ये खुद एक दूसरे से अग्री नहीं करते हैं। यू नो इफ यू सी ये कितनी पार्टीज बनी हुई, हर किसी का जो है इस्लाम अलग है, खुद लड़ते रहते हैं एक दूसरे से। सो देर इज नो स्पेसिफिक इस्लाम, मैं कहूंगी, जो ये लोग फॉलो करते हैं। और ये क्या बढ़ेगा, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये एक फायर बन गई, उसमें फ्यूल डाल डाल के ये लोग और वो करते जा रहे हैं। अगर आप हमारी जनरेशन को देखो, जब पाकिस्तान जो है अलग हुआ था इंडिया से, तब की जो जनरेशन थी दे वर नॉट लाइक वॉट इट इज टूडे। अब जहां पर एक कम्युनिटी है जिसको देखा जाता है कि वो बहुत ही एक्सट्रीम पे जा रही है, वहां पर एक पाकिस्तानी कम्युनिटी है दैट इज एक्चुअली नॉट इन्वॉल्व ऑल दिस, और वो चाहते हैं ये पाकिस्तान जो एक सेक्युलर कंट्री बने, मगर वो बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि जहां उन्होंने मुंह खोला तो फिर आपको तो पता है कि फौरन उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो दे आर फाइटिंग विद इन विद दीज एक्सट्रीम एलिमेंट्स इन पाकिस्तान। मैम, हमारे एक व्यूअर हैं आशीष गंभीर, वो बोल रहे हैं कि क्या कोई हिंदू फोबिया नाम की चीज भी है वेस्टर्न कंट्रीज में? देखिए, यहाँ पर ना हिंदू फोबिया है, ना इस्लाम फोबिया है, ना क्रिश्चियन फोबिया है। हमारे वेस्टर्न कंट्रीज ऐसी जगह हैं जहां पर आप आ सकते हो, आप यहाँ रह सकते हो, आपको एज अ ह्यूमन जो है ट्रीट किया जाता है। मैं अगर 20 साल पहले मुझसे अगर ये बोली होती कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन है, तो मैं मान लेती, मगर आजकल के दौर में आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिलती, आपको जॉब्स मिल जाती हैं, कोई आपको इस वजह से कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो तो कोई डिस्क्रिमिनेट करता ही नहीं, क्योंकि अगर आपको डिस्क्रिमिनेट किया तो आप एचआर के पास जाएं और आप जाके एक लॉ सूट उन पे फाइल कर सकते हैं। तो यू हैव ऑल द राइट, बट हैविंग बीइंग सेड दैट, क्योंकि यहाँ पे एंटी सेमिटिज्म है जिसमें कि आप चंद चीजों पे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हॉलोकॉस्ट को डिनाई नहीं कर सकते हैं, तो उसकी देखा देखी मुसलमानों ने भी यही सोचा कि अब हमें भी अपने उस पे वो करना चाहिए, इस्लामोफोबिया। अब जब इस्लामोफोबिया आ गया तो फिर हिंदुओं ने कहा कि हम भी हिंदू फोबिया जो है वो टर्म लेकर आए। तो मैंने यहाँ पर एक दो दफा हिंदू फोबिया का टर्म सुना है, बट आई डोंट थिंक देयर इज एनी हिंदू हिंदू फोबिया। आई हैव बीन अराउंड हियर फॉर 25 ईयर्स। यहाँ पे जो हिंदूज रह रहे हैं, इंडियंस जो रह रहे हैं, वो बहुत प्रॉस्पर कर रहे हैं, दे आर वेरी सक्सेसफुल, दे आर इन वेरी बिग पोजिशंस। सो ऐसी बात नहीं, और मुसलमान भी है, ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तानी नहीं है यहाँ पर। बस वही एक आदत हो जाती है ना, जिस थाली में खाना है उसी में छेद करेंगे, उसी को बुरा भला कहेंगे। मैं उनसे कहती हूँ अगर इतना ही बुरा है तो प्लीज आप जाकर वहीं चले जाए जहां पर आप खुश होंगे। राइट, फाइनल क्वेश्चन मैम, फाइनल क्वेश्चन, क्या आपको उम्मीद है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स कभी ये इस्लाम छोड़ के डेवलपमेंट पे आ पाएगी? सारे तो सब तो जैसे वो भी इमरान खान भी सबसे पहले आयतें पढ़ते हैं और बाकी लोग भी आयतें पढ़ते हैं, कभी डेवलपमेंट पे फोकस हो पाएगा, कभी लोगों के वेलफेयर पे फोकस हो पाएगा? अभी तो इस्लाम सेंट्रिक है सारा। जब तक पाकिस्तान की अवाम खुद सड़कों पे नहीं आएगी, जब तक पाकिस्तान की अवाम, आई एम सॉरी टू से, सारे पॉलिटिशियंस जितने भी बैठे हैं वहां पर, वो सदियों से लूट रहे हैं, सारे सारे इनको उठा उठा के छितर नहीं लगाएगी, तब तक कुछ नहीं हो सकेगा। सिर्फ इस्लाम को पाकिस्तान में ही नहीं, इस्लाम को एक वोट बैंक बनाकर दूसरी कंट्रीज में भी यूज किया जा रहा है, दूसरे पॉलिटिशियंस भी यूज कर रहे हैं। हमारा जस्टिन ट्रूडो, आप देख सकते हैं वो किस तरीके से इस्लामोफोबिया को टूल बना के यूज करता है जस्ट टू गेट द मुस्लिम वोट बैंक। तो मेरे ख्याल से तो ये नहीं खत्म होगी, लाइक आई सेड, जब तक पाकिस्तान की अवाम खुद नहीं निकलती है बाहर, मौलवियों को बंद नहीं करती है और अपने पॉलिटिशियंस को छित्तर नहीं लगाती और एक सेक्युलर गवर्नमेंट नहीं लेकर आएगी, देर विल बी नो चेंजेस इन पाकिस्तान। राइट, थैंक्स अ लॉट मैम फॉर ज्वाइनिंग अस। उम्मीद है हम आपके साथ एक और डिस्कशन जल्दी ही करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, सो मच, धन्यवाद। थैंक यू, बाय, टेक केयर।
इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।